Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अल हादी फाउंडेशन में खुश आमदीद कहते हैं। बाब दोम, ईमानियात व इबादात, सफ़ा नंबर 19 पर मौजूद सबक नंबर 6। इस सबक का नाम है मस्जिद क्या है। मस्जिद मुसलमानों की इबादत की जगह है। हम मस्जिद में अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। मस्जिद में हम नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, इसके अलावा और बहुत सी दूसरी इबादात मस्जिद में की जाती हैं। पहली लाइन पर अपनी उंगली रखें और पढ़ें, वो जगह जिसको नमाज पढ़ने के लिए मुकर्रर किया गया हो मस्जिद कहलाती है। प्यारे रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, जो जगह अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है वो मस्जिद है। यानी मस्जिद को नमाज़ पढ़ने के लिए अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर मुकर्रर किया है। नमाज दीन इस्लाम का दूसरा अहम रुकन है। नमाज मस्जिद में पढ़ी जाती है, इसलिए अल्लाह को सबसे ज़्यादा जो जगह पसंद है वो मस्जिद है। मस्जिद हमारी इबादतगाह है, हम इसमें अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, इसलिए हमें मस्जिद को पाक और साफ़ रखना चाहिए, इसलिए कि ये हमारी इबादत की जगह है। हमें इसको गंदगी से पाक और साफ रखना चाहिए। सब मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज पढ़कर हम अल्लाह को ये दिखाते हैं कि हम अल्लाह के बंदे हैं और उसके हुक्म पर अमल करते हैं। नमाज अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ की। जब हम फ़र्ज़ नमाज को वक्त पर अदा करते हैं तो हम अल्लाह को ये दिखाते हैं, हम इस बात का ये सबूत देते हैं कि अल्लाह हमारा खालिक है, अल्लाह हमारा मालिक है, उसने हमें पैदा किया, हम उसी के बंदे हैं और सिर्फ उसी के हुक्म पर अमल करते हैं। हमें हर काम में उसकी मदद चाहिए। हम नमाज में भी जब सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं तो उसमें एक आयत है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। यानी हम हर काम में हमें अल्लाह ताला की मदद चाहिए होती है। हम नमाज में भी अल्लाह ताला से अपने कामों की आसानी के लिए, अपने मुश्किल कामों की आसानी के लिए मदद अल्लाह ताला से मांगते हैं। हम ये भी बताते हैं कि अल्लाह हमारा मालिक है। नमाज पढ़ने से अल्लाह का शुक्र अदा होता है। यानी जब हम नमाज पढ़ते हैं वक्त पर, तो नमाज पढ़ना भी एक तरह से अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करने का एक तरीका है। हर आबादी में मस्जिदें होती हैं। हर मस्जिद में इस मोहल्ले के रहने वाले आकर नमाज पढ़ते हैं। अजान देने वाले को मौज़िन कहते हैं। नमाज से पहले अजान दी जाती है ताकि सबको मालूम हो जाए कि अब नमाज का वक्त हो गया है और लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आ जाएं। हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें मुसलमान घराने में पैदा किया। हम जिस जगह रहते हैं उस जगह मस्जिदें भी बनाई जाती हैं। हर उस जगह जहां मुसलमान आबाद हों, जहां मुसलमान रहते हों, वहां मस्जिदें ज़रूर बनाई जाती हैं। और जिस जगह भी मस्जिद बनाई गई हो, ये इस बात की निशानी होती है कि ये मुसलमान आबादी है, इस जगह
मुसलमान रहते हैं। वो लोग जो इस मस्जिद के आसपास रहते हैं वो नमाज पढ़ने के लिए इसी करीबी मस्जिद में जाते हैं जो उनके घर के पास बनाई जाती है। अजान देने वाले को मोज़न कहते हैं। मोज़न वो होता है कि एक शख्स को ख़ास तौर पर इसलिए मुकर्रर किया जाता है कि जब नमाज का वक्त हो जाए तो वो उस वक्त से पहले मस्जिद में अजान दे। इस अजान देने वाले शख्स को मोज़न कहते हैं। अजान का मकसद लोगों को ये बताना होता है कि नमाज का वक्त हो गया है और सब लोग अपने तमाम काम छोड़कर नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद में आ जाएं। सफ़ा नंबर 20। मस्जिदों में सबसे ज़्यादा नमाजी जुमा की नमाज में होते हैं। इस तरह जमा होना और साथ मिलकर नमाज पढ़ना आपस में मेल जोल बढ़ाने का अच्छा तरीका है। सब एक दूसरे को पहचान लेते हैं और एक दूसरे का ख्याल भी करते हैं। जुमा की नमाज का मस्जिदों में ख़ास तौर पर एहतमाम किया जाता है। जुमा की नमाज में नमाज पढ़ने वालों की तादाद ज़्यादा होती है। जुमा को मुसलमानों की छोटी ईद कहा जाता है। जुमा के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। जब एक जगह में रहने वाले लोग एक दूसरे को मस्जिद में एक साथ नमाज पढ़ने की वजह से जानने लगते हैं, आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ता है और लोग एक दूसरे का बहुत ख्याल करने लगते हैं और मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद करते हैं। छोटे बच्चों को ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि मस्जिद एहतराम और इबादत की जगह है, इसलिए मस्जिद में शरारतें शोर नहीं करना चाहिए, बल्कि कोई भी गैर ज़रूरी बात मस्जिद में नहीं करनी चाहिए। अल्लाह को नमाज पढ़ने वाले बहुत पसंद हैं। नमाज पढ़कर हम दुआ मांगते हैं। दुआ मांगना भी अल्लाह को अच्छा लगता है। अल्लाह सब कुछ जानता है, वो हर वक्त हमें देख रहा होता है। अल्लाह ये भी जानता है कि हम क्या सोच रहे हैं। जो लोग नमाज को बाकायदगी के साथ अदा करते हैं अल्लाह उनको बहुत पसंद करता है। नमाज पढ़ने के बाद हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अपनी मुश्किलों के हल के लिए अल्लाह से मदद मांगते हैं और अल्लाह को अपने बंदे का दुआ मांगना भी बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला को दुआ मांगना बहुत पसंद है। अल्लाह चाहता है कि उसके बंदे उसकी इबादत करें और सिर्फ उसी से मदद मांगें। अल्लाह सब कुछ जानता है, इसलिए कि वो हमारा खालिक है, अल्लाह हमारा मालिक है। वो जानता है कि हम किस वक्त क्या काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि अगर हम कुछ सोचते भी हैं तो अल्लाह हमारी सोच से भी बाखबर है, इसलिए कि वो हमारा मालिक है। अल्लाह ने हमें पैदा किया, इसलिए अल्लाह हमारे हर काम से बाखबर होता है। सफ़ा नंबर 20 पर मस्जिद के कुछ आदाब बयान किए गए हैं। नंबर 1, मस्जिद में दाखिल होते हुए पहले सीधा पांव अंदर रखिए, यानी जब मस्जिद में दाखिल हों, मस्जिद में कदम रखें तो पहले सीधा यानी दायां पांव अंदर रखें। नंबर 2, मस्जिद से बाहर निकलते हुए पहले उल्टा पांव बाहर रखिए, यानी जब मस्जिद से बाहर निकलें तो पहले उल्टा पांव बाहर रखें। नंबर 3,
मस्जिद में कुरान पाक पढ़ने के बाद उसे वापस उसी जगह रखिए जहाँ से लिया था। मस्जिद में कुरान पाक भी पढ़ा जाता है, तो जहाँ से आपने कुरान पाक उठाया, कुरान पाक पढ़ने के बाद कुरान पाक को वापस उसी जगह पर रखना, ये भी मस्जिद के आदाब में से है। नंबर 4, मस्जिद में जहाँ खाली जगह हो वहाँ बैठिए, लोगों के कंधों पर से कूदकर ना जाइए। यानी जब आप मस्जिद में दाखिल हों तो अगर आपसे पहले लोग वहाँ पर बैठे हुए हों तो जहाँ आपको जगह मिले वहाँ ही बैठ जाना चाहिए। लोगों के कंधों से कूदकर आगे जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जहाँ आपको जगह मिले वहीं बैठ जाना चाहिए। नंबर 5, जुमा की नमाज से पहले इमाम साहब वाज़ करते हैं और खुतबा पढ़ते हैं। यानी जब जुमा की नमाज का वक्त होता है तो उससे पहले इमाम साहब कुछ दीन की बातें बताते हैं, खुतबा पढ़ते हैं। नंबर 6, वाज़ और खुतबा खामोशी से सुनना चाहिए। यानी जब जुमा की नमाज से पहले वाज़ और खुतबा इमाम साहब फरमा रहे हों तो उस वाज़ और खुतबे को खामोशी से सुनना चाहिए, उसमें बिला वजह बातें नहीं करनी चाहिए। नंबर 7, मस्जिद में बुलंद आवाज़ से बिला ज़रूरत ना बोलिए। यानी जब आप मस्जिद में मौजूद हों तो बिला ज़रूरत भी बात नहीं करनी चाहिए, और बुलंद आवाज़ से तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आहिस्तगी के साथ बात कीजिए, बुलंद आवाज़ से बात मत कीजिए। नंबर 8, मस्जिद में दुनिया की बातें ना कीजिए। मस्जिद अल्लाह ताला की इबादत की जगह है, हमारी इबादत गाह है, तो वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए। हमें वहाँ पे और दुनिया की फजूल बातें नहीं करनी चाहिए। इस तरह हमने सफ़ा नंबर 20 पर मस्जिद के आदाब सीखे।